एक्चुअली सीन अभी क्या हो गई है कि रास्ता इन्होंने गलत लिया था ऑटो वाले भैया ने मुझे, जबकि ऊपर से निकलना है, तो इसलिए फिर मैंने मेन रोड से ही, ये रिस्की है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए, बट क्या करूँ कि अगर मैं इधर से निकलता वापस से ही तो वो रास्ता लंबा पड़ जाता, मुझे यहाँ से निकलना है, अब मुझे यहाँ से ये यू टर्न लेना है, इस रोड से जाना है मुझे। तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग, ये मेरा दूसरा ब्लॉग है सेम डे में ही, शायद आवाज़ नहीं आ रही होगी आप लोगों को, बिकॉज मैं ऑटो में हूँ और ऑटो खुला हुआ है, तो शीशा तो खैर है नहीं कैब की तरह, मैंने ऑटो इसलिए प्रेफर किया कि मुझे कैब में थोड़ा सा वॉमिट से फील होती है। तो फिलहाल मैं अभी निकल चुका हूँ स्टेशन के लिए, वहाँ पहुँचते हैं फिर आपको मैं और चीज़ें वहाँ दिखाता हूँ, मेरा मास्क उड़ रहा है। प्रोसीजर है, ऐसा ना हो कि वहाँ पे घंटा पहले पहुँचना है, सब कुछ करवाना तभी आपको एंट्री मिली है। बहरहाल मैं तो 5:30 बजे निकला हूँ, मेरी ट्रेन 6:40 की है, देखते हैं पहुँच के। कनॉट प्लेस पहुंच चुका हूं, यहां से अब स्टेशन बिल्कुल पास है, हार्डली 3-4 मिनट बस। तो भैया ये है सीन, देखिए ये एलिवेटर है, ये चल ही नहीं रही है। तो फाइनली मैं आ गया हूँ अपनी ट्रेन के पास, ये खड़ी मेरी ट्रेन, और ये मेरा कंपार्टमेंट है H1। चलिए चलते हैं अंदर इसमें। सो ये है आपका AC फर्स्ट क्लास की सीन, मेरी सीट पीछे है, आपको दिखाता हूँ, दो सीट 1-2, ये मेरी है, ये निचली सीट भैया की जो अभी शारजा से आ रहे हैं। फिलहाल ऐसा कुछ है नहीं इसमें स्पेशल, AC फर्स्ट के जो लोगों में एक चाम होता है ना, कुछ ऐसा नहीं है, बट ये है कि सेपरेट थोड़ा होता है ये। अब यहाँ से आप बाहर चल सकते हैं। तो ये ले लिया मैंने, यही मेरा आज का खाना है ट्रेन में, अभी सैनिटाइज करूंगा फिर खाऊंगा। तो गाइस मेरी ट्रेन फाइनली चल चुकी है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से, मैं अपने सिटी जो जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ मैं कल सुबह 6:30-7 बजे तक पहुँच जाऊँगा। ट्रेन चली नहीं कि चेन पुलिंग हो गई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में तो यही है, यहाँ पे ना चेन पुलिंग का ऐसा हिसाब है, जिसको जहाँ तोड़ना होता है वहीं पे चेन पुल करता है, उधर लेता है, बाकी पैसेंजर परेशान हो कोई मतलब नहीं है। ठीक, ट्रेन अभी स्पीड में आ चुकी थी फिर स्लो हो गई।
बहरहाल दिल्ली को भी जाने में अच्छा नहीं लग रहा है, बिकॉज इतने सालों से यहाँ पे रह रहा हूँ। चाहे मैं 1 वीक के लिए जाऊँ चाहे कि 1 दिन के लिए, बुरा लगता है। तो अभी बुरा लग रहा है, बहुत मिस करूँगा दिल्ली को। फिलहाल एक खुशी भी है कि घर जा रहा हूँ, मम्मी पापा से मिलूंगा, घर में जो बच्चे भैया भैया हैं, भाभी हैं, उनके बच्चे हैं, उनसे मिलूंगा, उन्हें देखूंगा, थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाएगा, फिर नए जोश के साथ न्यू एनर्जी के साथ वापस आऊंगा। सो गाइस, फाइनली मुरादाबाद आ गया हूँ। इस टाइम हो रहा है 9:30, 6:40 से मेरी ट्रेन चली थी, यानी कि 3 घंटे में मैं दिल्ली से मुरादाबाद आ गया हूँ। ठीक है, सो यहाँ के बाद देखते हैं कहाँ का स्टॉपेज। आई थिंक बरेली का है, बरेली के बाद लखनऊ, फिर जौनपुर। सो गाइस, अब फाइनली मैं सोने जा रहा हूँ, बिकॉज 11 बज रहे हैं और मैं बहुत टायर्ड हूँ, बिकॉज आज बहुत काम किया मैंने। आज सारा दिन बहुत ज़्यादा काम था, गाड़ी साफ करना, पैकिंग करना, बहुत सी चीज़ें थी। तो अब मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ, खाऊंगा कुछ जो रखा है मैंने। सब खाने के बाद मैं सीधे अपने केबिन में घुस के मतलब सो जाऊंगा, फिर आपसे सुबह मिलते हैं अपनी सिटी में स्टेशन को उतरने के बाद। चलिए, तब तक के लिए गुड नाइट। फाइनली मैं आ गया हूँ अपने होम टाउन, अब निकलता हूँ बाहर रिक्शे के लिए। ये हाल है, देखिए ये क्राउड है, कोरोना टाइम में ये क्राउड देखिए आप। फाइनली मैं पहुंच गया हूँ अपने होम टाउन, अभी मैं रिक्शे पे हूँ, घर जा रहा हूँ और घर पहुंच के मैं इस व्लॉग को ख़त्म कर दूँगा। फिलहाल जब घर पहुँचूँगा तब ख़त्म करूँगा, अभी नहीं, अभी यहाँ से मेरे घर लगभग 5 मिनट का रास्ता है। फिलहाल अभी मैं आपको सिटी का टूर पर कराता हूँ, ऐसे हल्का सा, ये देखिए। मैं घर पहुंच चुका हूं और अभी किसी को नहीं पता है, सब लोग सो रहे हैं, डोर खुला था, शायद पापा मॉर्निंग में उठते हैं तो डोर खोल देते हैं, बाकी सब सो रहे हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अब आपसे मिलते हैं अपने न्यू व्लॉग में, टिल देन लव यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय। ये मेरे पापा थे, मेरे पापा।
इनको पता नहीं कि मैं आगे मैं इनकी वीडियो बना रहा हूँ। और ये है मेरी मम्मी जो सो रही है, किसी को नहीं पता कि मैं घर आया हुआ हूँ। आगे देखते हैं। ये थे मेरे बड़े भाई, सब सो रहे हैं। बहरहाल किसी को डिस्टर्ब नहीं करता हूँ मैं, चुपचाप सामान रखता हूँ, फ्रेश होता हूँ। जब ये उठेंगे ये खुद ही मुझे देख के सरप्राइज हो जाएंगे।